हेलो फ्रेंड, आज मैं आलू लौकी का पकौड़ा बनाऊंगी। दोस्तों, आलू लौकी को छीलकर साफ कर लिया है, अब इसे काटना है। मैं इस तरह से काट रही हूँ। अगर आपके पास चिप्सर है उससे काट लें, बहुत जल्दी कट जाएगा। ये देखिए, मैंने काट लिया है चिप्सर से। इसी तरह का मुझे चाहिए। अब मैं कुछ मसाला का तैयारी करूंगी। लहसुन, हरी मिर्च, मिर्च को अपने स्वाद के अनुसार रखें, कितना आपको तीखा खाना है दोस्तों। अब इसे पीस लें। अब मैं बेसन लूंगी। बेसन में थोड़ा हल्दी डालें। लहसुन मिर्च का पेस्ट डालें। स्वाद के अनुसार नमक। इसमें थोड़ा और पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब कुरकुरा बनने के लिए मैं चावल का आटा डालूंगी। चावल के आटा डालने से कुरकुरा बनता है दोस्तों। ये देखिए, मैं इसी तरह का घोल रखी हूँ। अगर आप ज़्यादा पतला करेंगे तो आलू लौकी में चिपकेगा नहीं। मुझे इसी तरह का घोल चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा से चिपक गया है ये। अब एक पैन में सरसों का तेल गरम करें। सरसों का तेल में पकौड़ा अच्छा बनता है, टेस्टी लगता है। इसे अच्छी तरह से गरम होने दें। जब धुआं निकलने लगे तब इसमें पकौड़ा डालें। मैं एक एक करके पकौड़ा को डालूंगी। बरसात का मौसम में पकौड़ा खाने में अच्छा लगता है, चाय के साथ, चटनी के साथ। ये पकौड़ा बहुत टेस्टी बनेगा, कुरकुरा बनेगा दोस्तों। अगर आपके पास चावल नहीं है तो उसमें 2 चम्मच दही डाल दें, उससे भी कुरकुरा बनता है। अब इसे उलट पलट कर गुलाबी करना है। गैस को मीडियम रखें। ये देखिए, ये हल्का लाल हो गया है दोस्तों। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसे निकालूंगी। ये पकौड़ा बिल्कुल तैयार हो गया है खाने के लिए। आप इसे चटनी, चाय, किसी के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा।
ये पकौड़ा बिल्कुल कुरकुरा बना है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।